हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस करना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन डिस्कशन करने से पहले अगर मैं बोलूँ आपसे कि या स्टार्ट ही करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन एक्स एंड वाई एडेड टू ईच अदर द रिजल्ट is 5। मतलब जब x और y ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। ये मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो बोला जा रहा है वो बहुत लंबा लग रहा है, या लिखने में भी लगेगा, when x and y added to each other the result becomes 5। इसी चीज को मैथमेटिक्स में सॉर्ट करने के लिए या छोटा करने के लिए हम सिंपल लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जब भी ऐड होगा तो हमको जो रिजल्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था, 5। अब इस चीज को बहुत बड़े में लिखने की जरूरत नहीं है कि when x and y added to each other the result become 5। इतना बड़ा पहले लिखा भी गया होगा, बट चीजों को आसान किया गया, मैथ्स को भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। अब हम सिंपल लिख सकते हैं कि x प्लस y equal to 5। इससे सबको समझ में आ रहा है कि कहने का मतलब यही है कि जब x और y ऐड होंगे तो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। सेम इसी चीज को केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है जब केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन कराएं, तो रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। अब इसको पहले इस तरीके से लिखा जाता था कि when zinc and sulfuric acid react each other then it gives zinc sulfate and hydrogen gas। मतलब इतना बड़ा पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि when zinc react with sulfuric acid then result becomes या then gives zinc sulfate and hydrogen gas। इसी लंबे चौड़े चीज को साइंटिस्ट लोगों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि एक ही रिएक्शन तो है नहीं कि लिख के बैठ गए और काम खत्म, हजारों लाखों रिएक्शन कराते जा रहे हैं। इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा लैंग्वेज को आसान करने के लिए वहां भी थोड़ा मैथ्स का यूज किया गया। और अगर हमको जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराए तो उसमें जो लिखा जा रहा था वैन जिंक रिएक्ट, इस चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए सबसे पहले उन्होंने वर्ड इक्वेशन बनाया। वर्ड इक्वेशन में उन्होंने ऐसे लिखा कि जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड तो हमको कुछ दे रहा है। When zinc react with sulfuric acid, then it gives zinc sulfate and hydrogen gas। देखिए ये भी इतना टाइम लग गया हमको लिखने में, और कहानी वही थी पहला जो when zinc react with sulfuric acid, then gives zinc sulfate plus hydrogen gas। तो पहले ऐसे लिखे थे वैन पूरा WHEN, उसको हटा के थोड़ा सॉर्ट किया गया तो सिर्फ वर्ड इक्वेशन, मतलब जिंक को हम क्या लिखते हैं, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस प्लस से पता चल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। इस लाइन के बाद लिखते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पता चल गया कि जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसको भी लिखने में हमको कुछ टाइम लगा, उसी टाइम को बचाने के लिए उन्होंने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के जो सिंबल आप नाइन्थ में पढ़े थे कि जिंक को लिखते हैं ZN, H2SO4 का फॉर्मूला बनाना सीखे होंगे तो बना होगा H2SO4, उसी चीज को यूज किया गया यहाँ पे और सिंप्लीफाई किया गया। तो हम लिख सकते हैं कि ZN प्लस H2SO4 गिव्स दैट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। पहले वर्ड इक्वेशन लिखा गया, थोड़ा शॉर्ट आया, सॉरी पहले वो पूरा लैंग्वेज लिखा गया, फिर वर्ड इक्वेशन आया, फिर क्या आया, ये क्या है, यही है केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब उसके सिंबल्स या फॉर्मूला यूज करके लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को
जब उसके सिंबल और फॉर्मूलाज यूज करके लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यही टॉपिक का नाम था केमिकल इक्वेशन, और यही है आपका केमिकल इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन की, वो है कि द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वही किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके शॉर्ट हैंड मेथड के लिखने के तरीके को विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। मतलब बड़े वाले इक्वेशन को उसके सिंबल और फॉर्मूले के हेल्प से छोटे तरीके में लिखने को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहां पे लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स दैट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्या है ये, वर्ड इक्वेशन है। इसको पूरे वर्ड में लिखा गया है, सबका स्पेलिंग एकदम बना बना के लिखा गया है। इसी को उसके सिंबल और फॉर्मूले से लिखे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। किसी भी वर्ड इक्वेशन या किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके शॉर्ट हैंड मेथड लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब यहां पे तीन पॉइंट लिखा गया है। पहला है कि द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब जो दो चीज हम लेके मिला रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच में लगाते हैं प्लस का साइन। इसी तरीके से द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब अब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको इस एरो के कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। एक और कोई प्रोडक्ट बनता तो यहां भी क्या लगा देते, प्लस। अब कुछ लोग सोच रहे हैं तीर क्या है, तीर नहीं है ये, तीर का साइन एक एरो है जो बता रहा है कि रिएक्शन इधर से इधर गई है। मतलब जो इसका टेल है वो बता रहा है कि इधर रिएक्टेंट है, मतलब हम सामान पहले लिए। तीर बता रहा है कि उधर जो बना है वो प्रोडक्ट बना है। यहाँ पे आटा और पानी लिए, और तीर जिधर रहेगा, जिधर तीर का मुंह रहेगा उधर कौन रहेगा, रोटी जो बन के तैयार हो गया है। तो वही लिखा है थर्ड पॉइंट में भी कि एन एरो, ये जो एरो का साइन है, इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ये जो एरो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगेगा और पॉइंट जाएगा किसकी तरफ से, रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, जो ये बताता है कि रिएक्शन इधर से इधर की है। ऐसा नहीं कि घुमा के ऊपर नीचे इधर उधर कहीं लगा दिया, जिधर तीर का मुंह रहेगा मतलब उसके पीछे से रिएक्टेंट आया है और मिलकर क्या बनाया है, प्रोडक्ट। तो ये था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसी चीज को कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्लस का साइन दो रिएक्टेंट के बीच में लगाना है, प्लस का साइन दो प्रोडक्ट के बीच में लगाना है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड रहेगा, और बीच में क्या लगाते हैं, एक एरो लगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल इक्वेशन अभी हम पढ़ रहे थे उसको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कि सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन टू साइड्स आर इक्वल। मतलब जो आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें जो रिएक्टेंट साइड है उनमें नंबर ऑफ एटम और जो प्रोडक्ट साइड है उनमें नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। और जितने एटम, अगर हाइड्रोजन के इधर 10 एटम है तो हाइड्रोजन के भी उधर 10 होने चाहिए, इधर कार्बन के 12 हैं तो उधर भी कार्बन के ही 12 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर 5 किसी और का और उधर 2 हाइड्रोजन और 3 कार्बन मिला के 5 कर दिए। अगर 2 हाइड्रोजन इधर है तो हाइड्रोजन का ही 2 उधर होना चाहिए, इधर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का ही उधर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2H2 plus O2 gives that H2O, पानी बनाने वाला रिएक्शन है। कितने हाइड्रोजन है तो 2 × 2 कितने हाइड्रोजन हुए, 4। इधर कितने हैं, 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, चलो सही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर भी 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में हो गया तो कितने हो गए, 2।
मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में है, और जिसके जितने एटम हैं, हाइड्रोजन चार है तो हाइड्रोजन के भी उधर चार ही होने चाहिए, ऑक्सीजन इधर दो है तो ऑक्सीजन के भी उधर दो ही होने चाहिए, दो है, टू का मल्टीप्लाई पूरे में हुआ है। अब बात आती है ये क्या, ये करने की कौन जरूरत है, बैलेंस करने क्या जरूरत है, हम तो सीधे पढ़े H2+O2 gives H2O, ये क्यों बैलेंस किया जा रहा है, बैलेंस करने की क्या जरूरत है। तो नाइन्थ में आप एक लॉ पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसे बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं आप मास क्रिएट कर सकते हैं नया, मतलब ऐसा नहीं कि 5 किलो हाइड्रोजन लिए हैं तो अपने मन में 10 किलो हो जाएगा, नहीं, मास नया क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसके मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 किलो आटा लिए हैं और उसमें 1/2 किलो पानी मिलाए हैं तो टोटल हो गया 2.5 किलो पूरा सामान। अब जो रोटी बन के तैयार होगा हमारा प्रोडक्ट वो भी 2.5 किलो ही होना चाहिए, क्योंकि जो मास है ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर 2.5 किलो सामान लिए हैं कोई चीज बनाने में तो जो चीज बनेगा वो भी 2.5 किलो होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, मतलब हमारे फिजिकल लाइफ में नहीं पॉसिबल है। अब हम रोटी बना रहे हैं तो उसमें से आटे में से कुछ पानी तो एवोपरेट होकर उड़ जाएगा, तो आप कहेंगे अरे तो कम बन गया, तो बस केमिकल रिएक्शन में ये चीज पॉसिबल है और ऐसा ही होना चाहिए। फिजिकल लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए बट हम लोग उसको आइडियल किसी कंडीशन में लेते नहीं। जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर कोई हिंदू समाज, जैसे मैं हिंदू समाज का हूँ तो मेरे मरने पर मुझे जलाया जाएगा, अब मेरे मरने पर जो मेरे बॉडी का वेट है अगर 60 किलो है तो मेरे मरने के बाद जो राख होगी या जो भी धुआं, अगर हम धुएं को उड़ने न दे कहीं कुछ जाने न दे सबको एक शीशे में कैद कर लें तो उसका भी टोटल वेट 60 ही आना चाहिए। मतलब मेरे मास जो पहले था प्रोडक्ट बनने के बाद, मेरे जलने के बाद भी उस पूरे इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें धुआं उड़ा, राख उड़ा, जो भी राख है सबको कैद कर लें तो भी 60 किलो ही होना चाहिए, बट पॉसिबल ऐसा होता नहीं है। बट केमिस्ट्री में, केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में ये पॉसिबल है और हमको ये चीज़ लेके चलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैसे ये मास बराबर हो रहा है। जैसे आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ही यही है कि जितने रिएक्टेंट इधर होंगे उतने ही प्रोडक्ट उसके उतने ही उधर होंगे, मतलब जितने आइटम रिएक्टेंट के इधर है उतने ही आइटम प्रोडक्ट के भी उधर होंगे। दोनों का जो मास होगा, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या होगा, सेम होगा। तो एक हाइड्रोजन का वेट 1 है तो 4 का कितना हो गया, 4। एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का कितना हो गया, 32। मतलब रिएक्टेंट साइड जो टोटल वेट है वो आ रहा है 36। प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, 4 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भी कितना हो गया, 32। मतलब प्रोडक्ट भी कितना है, 36। मतलब रिएक्टेंट साइड का वेट और प्रोडक्ट साइड का वेट क्या होगा, सेम होगा। अब ये सेम कैसे हो सकता है, कैसे हम सेम कर सकते हैं, वही होता है बैलेंसिंग में सीखते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का जो वेट है, जो मास है, वो बराबर नहीं होगा। जितने एटम हाइड्रोजन के अगर 4 हैं तो उधर भी अगर 4 हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इधर 2 है उधर भी 2 हैं, तो अपने आप वो केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है और हमको सारे केमिकल रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना पड़ता है, क्योंकि वो एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, गलत नहीं प्रूफ, वो सही प्रूफ हो चुका है, उसको गलत नहीं प्रूफ करेंगे हम लोग। तो ये था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये UBC फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बराबर ना हो, बैलेंस ना हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना कर रहा है। ये बैलेंस था H2+O2 gives H2S2, ये अनबैलेंस है H2+O2 gives H2O। हाइड्रोजन यहां पे कितना है, 2। यहां पे कितना है, 2। चलो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 2। यहां पे कितना है, 1। मतलब टोटल इधर कितने आइटम है, 4 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं,
तीन। तो ये बैलेंस थिंग सॉरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये कैसा है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और जो ये मास आएगा वो भी सेम नहीं आएगा। दो हाइड्रोजन का वेट हो गया दो, दो ऑक्सीजन का वेट हो गया 32, टोटल आ रहा है 34। इधर दो हाइड्रोजन का वेट हो गया दो और एक ऑक्सीजन का वेट हो गया हमारा 16, टोटल कितना आ रहा है 18। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने एटम रिएक्टेंट साइड होंगे उसी के उतने एटम प्रोडक्ट साइड भी होंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये चीज इधर उधर होंगे, बराबर नहीं होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बराबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ना हो। अब कैसे बैलेंस करते हैं, नाइन्थ में आप लोगों ने नहीं सीखा था, नाइन्थ में वही जानते थे कि H2+O2 gives H2O। इसके आगे ये टू कैसे लग रहा है, ये टू कैसे लग रहा है, इसी को सीखना है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अब देखना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यही H2+O2 अब इसको बैलेंस करने के लिए कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, ये तो बैलेंस है। दो एक दो ऑक्सीजन यहाँ है बट ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिए, प्लस करके का ऑक्सीजन हो गया, इधर इस साइड में दो ऑक्सीजन हो गया, इस साइड में दो ऑक्सीजन हो गया। ऐसा नहीं करना है, गलत। एक चीज और, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, कुछ लोग सोचेंगे इसको दो से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना बच जाएगा, एक। ये भी तरीका क्या है, गलत है। कुछ लोग ऐसे भी सकते हैं, एक O2 है यहाँ पे लगा दे रहे हैं माइनस ऑक्सीजन, तो प्लस O2 माइनस एक ऑक्सीजन कट के फिर एक हो जाएगा, ये भी गलत है। मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ना ही आपको प्लस करना है, ना ही आपको माइनस करना है, ना ही आपको डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और एक ऐसा मेथड मैं बताऊंगा कि दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा वो आप एकदम आराम से कर लेंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिक एकदम आसान है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, एकदम आराम से यूज होगा, थोड़ा सा उसमें बस मैथ यूज होता है, बट ये है कि वो सारे तरीकों से सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और कोई भी बड़ा से बड़ा केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं H2+O2 gives H2O, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बैलेंस हो रहा है, पहले तो चेक कर लीजिए अनबैलेंस है कि नहीं। हाँ अनबैलेंस है, दो हाइड्रोजन उधर, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और ऑक्सीजन वहां पे एक है, सारा एलिमेंट के एटम बैलेंस होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। पहला एलिमेंट जो यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोजन का, उसके आगे हम लिख लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं और अल्फाबेट जो भी लिखिएगा वो स्मॉल लिखते हैं, टेम्परेरी है वो अभी के लिए। जैसे हम इसके आगे लिखे ए, इसके आगे लिखिए बी और इसके आगे लिखिए सी। स्मॉल लिखिएगा, कैपिटल लिखेंगे तो लगेगा कार्बन है, अगर सी बड़ा लिख देंगे तो लगेगा CH2O है, तो स्मॉल लिखना है। ए बी सी लिखा गया। अब देखिए कि पहला कौन सा हमारे पास है, एटम हाइड्रोजन, तो लिख लीजिए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के यहां पे कितने एटम हैं, तो दो एटम हैं और यहां पे जो वन दिख नहीं रहा था उसके आगे हम क्या लिखते हैं, ए, तो 2 into A, कितने हाइड्रोजन हो गए यहां पे, 2A। सिंपल, दो का मल्टीप्लाई यहां पे कर दिए तो हो गया 2A। अच्छा, रिएक्टेंट साइड क्या और हाइड्रोजन है, नहीं है, तो इक्वल टू प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है,
2 इंटू सी कितना हो गया 2C, तो ये हो गया 2C, हाइड्रोजन हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 2 इंटू बी, तो ये हो गया 2B। रिएक्टेंट साइड और ऑक्सीजन नहीं है तो इक्वल टू कितने हैं प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन यहां पे 1 है तो 1 इंटू सी मतलब कितना हो गया सिर्फ और सिर्फ सी, इतना काम हो गया। उसके बाद इस दोनों इक्वेशन में हमको ये देखना है कि कौन सा जो अल्फाबेट है वो ज्यादा भराया है, मैक्सिमम भराया है। तो इसमें ए आया है, इसमें ए नहीं आया है, इसमें सी आया है और इसमें भी सी आया है, मतलब इन दोनों इक्वेशन में सी आया है। जो मैक्सिमम बार आया है उसको हम मान लेते हैं 1, बस आप 1 मान लीजिए, क्यों मान रहे हैं क्यों नहीं मान रहे हैं उससे मतलब नहीं, बैलेंस करने से मतलब है। तो सी दोनों बार आया है, मैक्सिमम बार आया है तो सी को हम मान लिए 1, सी इक्वल टू 1। अच्छा सी इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां सी की जगह क्या हो गया 1, तो ए इक्वल टू आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब ए का भी वैल्यू क्या आ गई 1, सी भी 1 ए भी 1। अच्छा बी कितना आएगा, सी अगर 1 हो जाए तो बी इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 2, तो बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 बाई 2। जो भी ए बी सी की वैल्यू आई है वो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए कितना आया है 1 तो ए की जगह 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए कोई बात नहीं, बी आया है 1 बाई 2 तो बी की जगह लिख दीजिए 1 बाई 2, सी की जगह 1 तो सी की जगह 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। अब क्या देखिए ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, अभी भी ये केमिकल रिएक्शन को जो सोच रहे होंगे हाँ 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक ऑक्सीजन ये भी हो गया एक ऑक्सीजन ये भी हो गया, बट ऐसा नहीं करना है। जितना आप रिएक्टेंट लिए थे अगर 2 ऑक्सीजन है तो उधर भी उतना बराबर करते हैं, और हम बोले हैं कि इसको डिवाइड नहीं करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ गया, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 2 कट के क्या हो जाएगा 1, और यहाँ भी 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस। 4 हाइड्रोजन यहाँ भी, 4 हाइड्रोजन वहां भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ध्यान से इसको एक बार देखिए, अभी मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा धीरे धीरे सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है कि NH3 प्लस O2 गिव्स दैट NO प्लस H2O। तो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, नाइट्रोजन एक है यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है बट हाइड्रोजन इस साइड क्या है 2, तो मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सेम वही रूल है सबके आगे ए बी सी डी लिख लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। पहला एटम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे 1 इंटू ए हो गया ए, इधर और कहीं नाइट्रोजन है नहीं। अब प्रोडक्ट साइड है तो इक्वल टू कितना है प्रोडक्ट साइड भी सिर्फ 1 ही है, 1 इंटू सी कितना हो गया सी, नाइट्रोजन खत्म, ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 इंटू बी तो ये हो गया 2B, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है उधर है, इक्वल टू कितना है एक यहाँ है 1 इंटू सी मतलब सी, और प्रोडक्ट साइड एक और है तो प्लस वाला लिखे प्लस, इधर कितना है 1 इंटू डी मतलब इधर भी कितना हो गया ये डी, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन का बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 3 इंटू ए तो ये हो गया 3A, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू डी, क्लियर। अब जो मैक्सिमम बार आया अल्फाबेट है उसको हम मान लेंगे 1, ए इस इक्वेशन में भी आया है, इसमें नहीं आया है इसमें आया मतलब 2 बार आया है, सी यहां पे भी आया है, सी यहां पे भी आया है, यहां नहीं आया वही 2 बार आया है, बी जो है यहां पे भी आया है एक ही बार आया है, डी जो है एक बार यहां आया है यहां आया, मतलब ए सी और डी 2-2 बार आए हैं, तो किसी को भी आप 1 मान लीजिए, तो हम ए को ही 1 मान रहे हैं, तो हमने किया लेट ए इक्वल टू 1,
a को जैसे ही 1 माने तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, c की वैल्यू भी क्या आ गई 1, दोनों के c इक्वल टू 1 हो गया। अब a की वैल्यू अगर हम यहां 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2d, मतलब 2d इक्वल टू 3/2, d आ गया 3/2। अच्छा अब b बचा है, b निकालना है, तो 2b इक्वल टू c को क्या माने हैं 1 प्लस d कितना आया 3/2, तो 2b इक्वल टू 2 यहां आ जाएगा, मतलब 5/2। b को निकल करेंगे तो आ जाएगा 5/4, मतलब b की वैल्यू आ गई है 5/4। जो भी a b c d की वैल्यू आई है मल्टीप्लाई कर दीजिए हटा के, a कितना आया था 1 तो रहने देते हैं, b कितना आया 5/4 तो यहां लिख देते हैं 5/4, c कितना आया 1 तो 1 ही रहने देते हैं, d कितना आया 3/2 तो यहां लिख देते हैं 3/2। हम किसी भी इक्वेशन में ये फ्रैक्शन नहीं रहता है, इसको फ्रैक्शन को हटा के हम सबको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा क्या करें कि ये हो 4 और नीचे से 2 हट जाए। तो अगर हम 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4NH3, ये 4 हट गया, सिर्फ बचा क्या है यहाँ पे 5, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4 3 या हो जाएगा 12 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या आ गया हमारा 6। अब जो सारा है वो होल नंबर में आ गया और हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हुआ नहीं, वो हो गया, चेक करेंगे। 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 3 12 हाइड्रोजन, तो 6 2 12 हाइड्रोजन, 5 2 10 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन यहां और 6 ऑक्सीजन यहां, केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कोई भी केमिकल रिएक्शन इससे बैलेंस हो जाएगा। एक मेथड और है जो मैं बताऊंगा, बट उसमें बच्चे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं क्योंकि उसमें कोई रूल नहीं है, बस ऐसे दिमाग हीट एंड ट्रायल ऐसे करना है, इधर का उधर का इधर रूल है, बट फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, थोड़ा सा बस ये चीजें इक्वेशन की यूज है, मतलब गलत होना ही होना नहीं, मतलब सही ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mg+CO2 gives that MgO+C, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, एक मैग्नीशियम इधर भी एक मैग्नीशियम, एक कार्बन उधर भी एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इधर कितना है A, स्टार्ट करिए ABCD, A B C D, कितने मैग्नीशियम है, पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम कितना है 1 × A हो गया A, और इधर कोई मैग्नीशियम नहीं तो इक्वल टू उधर कितना है 1 × C, इक्वल टू C। दूसरा कार्बन पे आते हैं, कार्बन कितना है 1 × B, मतलब B, इक्वल टू उधर कितना है 1 × D, ये हो गया D। और क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आते हैं, इधर कितने हैं 2 × B, तो ये हो गया 2B इक्वल टू 1 × C हो गया C। जो अल्फाबेट मैक्सिमम बार आया है ABCD में उसको 1 मान लीजिए, A यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, B कहां है, B यहां भी है, यहां भी 2 बार आया है, C जो है यहां भी है, यहां भी है, मतलब B और C में से किसी को 1 मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं लेट C इक्वल टू 1, C 1 हो गया तो A इक्वल टू भी क्या हो गया 1, C 1 A 1। अब अगर हम C को यहाँ पे 1 रखें तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, B आ गया 1/2, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, B के जगह 1/2 रखें तो D इक्वल टू भी हो गया 1/2, मतलब C 1 A 1 B 1/2 D 1/2 सबको रख दीजिए यहाँ पे, A कितना है 1 कोई बात नहीं, B 1/2 यहाँ रखे 1/2, C 1 तो हटा लीजिए, C 1 हो गया यहाँ पे, D कितना है 1/2 से क्या कर दी। अब इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों नीचे का 2 हट जाए, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कट गया, हट गया, यहाँ पे आ गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ये भी कट गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया, सोचना नहीं है, बैलेंस हो गया। देखिए 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 1 कार्बन 1 कार्बन,
दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, टू का मल्टीप्लाई टू ऑक्सीजन, खेल खत्म। तो नेक्स्ट है हमारा कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स दैट एमोनियम ऑक्साइड प्लस H2O। इस क्वेश्चन में कि ये जो ब्रैकेट लगा है, ये जो 3 है बस ब्रैकेट के अंदर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। चलिए बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए बी सी, एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास, 3 सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 into A, मतलब ए अकेला इक्वल टू 2 into B, 2B। ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, तो 3 यहां पे 3 मतलब 3 into A, तो 3A इक्वल टू 3 into B, 3B एक और ऑक्सीजन है, तो प्लस, प्रोडक्ट साइड में 2 हैं, तो ये J हो गया प्लस प्लस ये 1 into C, ये कितना आ गया C। क्लियर है। बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 3 into A, ये हो गया 3A, और इधर कहाँ है इक्वल टू तब 2 into C, 2C। जो मैक्सिमम बार आ रहा है उसको 1 मान लीजिए, तो A हम देख रहे हैं A, तीनों बार आया, तो बिना सोचे समझे A को क्या मान लेंगे 1, A इक्वल टू हो गया 1। जैसे ही A 1 हुआ तो B इक्वल टू हो जाएगा 1/2, B आ गया 1/2। C निकालें तो A हो गया 1, तो ये हो गया 3 equal to 2C, तो C equal to क्या हो जाएगा 3/2, C equal to 2 नीचे 3/2। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, इन तीनों की वैल्यू में यहाँ पे रख दीजिए, A कितना है हमारा 1, छोड़ दीजिए, B कितना है 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 1/2, C कितना है 3/2, तो रख दिए 3/2। फ्रैक्शन हटाना है और नंबर बनाना है, तो 2 दोनों जगह है, तो 2 से क्या कर दिए पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3, तो 6 हो जाएगा, और 6 divided by 2 फिर कट के क्या हो जाएगा 3। बैलेंस हो गया होगा, दो एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए 3 तो यहाँ है ही, मतलब ये वाला 3 into 2, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी 3 2 जा 6। तो ये रूल था ABCD रूल, आपको सॉल्व करना था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या जो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा वो भी भेजिएगा कमेंट में या मेल कर दीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका दूसरा तरीका कैसे बैलेंस करने के लिए, बट ये जो है वो बेस्ट तरीका है, कोई भी इक्वेशन आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इससे बैलेंस कर सकते हैं।